हेलो फ्रेंड्स, श्री श्री फूड हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम मुंबई का बहुत फेमस स्ट्रीट फूड पुडला सैंडविच बनाएंगे। ये सैंडविच बनाने में जितनी आसान है उतनी ही स्वाद में मज़ेदार है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं पुडला सैंडविच की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, आपके ग्रुप में शेयर करें और मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुडला सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम सैंडविच का स्टफिंग बना लेंगे। तो इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, ग्रेट किया हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ प्याज, ग्रेट किया हुआ बीट, बारीक कटी हुई पालक। इसके साथ ही हमने अदरक मिर्ची की पेस्ट ली है। अब हम स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए हमने एक बोल लिया है, एक कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, एक कप बारीक कटा हुआ टमाटर, एक कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, एक कप ग्रेट किया हुआ गाजर, एक कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप कट करके पालक लिया है वो डाल देंगे, 2 टेबलस्पून अदरक मिर्ची की पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून चाट मसाला डालकर अच्छे से मिला लेंगे। स्टफिंग हम थोड़ा सा चटपटा ही बनाएंगे, नहीं तो सैंडविच बनने के बाद टेस्ट फीका लगेगा। आप प्याज नहीं खाते तो आप प्याज को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ हमारा बहुत सारी सब्जियों से बना चटपटा स्टफिंग तैयार है। अब हम पुडला सैंडविच के लिए बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर 1 कप बेसन लेंगे और 1/4 कप सूजी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1/4 कप दही, स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही हम कटी हुई पालक भी डालेंगे, 2 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर हम 1/4 कप जितना पानी ऐड करेंगे और पतला बैटर बना के तैयार करेंगे। कंसिस्टेंसी हमको इस तरह की रखनी होगी। ये तो यहाँ हमारा पुडला सैंडविच बनाने का बैटर तैयार है। यहाँ हमारे पास स्टफिंग, बैटर, ब्रेड और चीज स्लाइस तैयार है। अब हम सैंडविच बना के तैयार करेंगे। इसके लिए हम तवा गरम करेंगे, गैस की आंच मध्यम रखेंगे, ब्रेड को बैटर में डिप करेंगे और गरम तवे पे रखेंगे। अभी हमने ब्रेड ली है, वो ब्राउन ब्रेड ली है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हो। और दूसरी ब्रेड को भी डिप करेंगे और गरम तवे पे रखेंगे। दोनों ब्रेड पर तैयार किया हुआ स्टफिंग रखेंगे। और 2 टेबलस्पून जितना बैटर भी डालेंगे ताकि जब हम इसको पलट के सीकेंगे तब स्टफिंग ब्रेड के साथ चिपका हुआ रहेगा। अब एक साइड से अच्छे से सिक गई है, अब इसको पलट लेंगे। सैंडविच को हम दोनों साइड से पलट पलट कर सिक लेंगे। अब हम इसके ऊपर चीज स्लाइस रखेंगे और सैंडविच को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ हम सैंडविच को पलट पलट कर दोनों साइड गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। यहाँ सैंडविच सिक के तैयार हो चुकी है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी सैंडविच बना के तैयार करेंगे। इसी तरह से हम सब सैंडविच बना के तैयार कर लेंगे।
अब हम सैंडविच को कट करके भी देख लेंगे। देखकर ही आपको लगेगा कि ये पुडला सैंडविच कितनी अच्छी बनी है। पुडला सैंडविच को एक प्लेट में सर्व करेंगे। इसके ऊपर बारीक वाली सेव भी डाल देंगे। अब ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप, अब हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे। इस पुडला सैंडविच को आप गर्मा गर्म एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।